हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक वाला। आज मैं आपके साथ आ गया हूँ अपनी यू कैन विन बुक की ऑडियो बुक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए विद द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द बुक यू कैन विन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने के साथ लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। लेट्स बिगेन विद द चैप्टर नंबर 6, मोटिवेशन, मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एवरी डे। Thoughts move logic, emotions move feelings, motivation moves us into actions. Abraham Lincoln कहते हैं कि good things come to those who wait, but only those things left by those who hustle. अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती हैं जो वेट करते हैं, लेकिन सिर्फ वही चीजें उनके पास आती हैं जो कि मेहनत करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स दूसरों को ये बताने की अप्रोच अपनाते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं एक अलग अप्रोच अपनाता हूँ। मेरी अप्रोच है तुम क्यों नहीं। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। अगर आप सड़क पर लोगों से पूछें कि क्या किया जाना चाहिए तो वो आपको सभी सही आंसर्स देंगे, लेकिन उनसे पूछें कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं, शायद नहीं। जो कमी है वो है मोटिवेशन की। सवाल ये है कि क्या हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। हम क्या कर सकते हैं, लोगों को खुद को मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक्शन है। मैं आपके लिए एक्शन नहीं कर सकता, आपको अपने लिए एक्शन खुद ही करना होगा। इंस्पिरेशन थिंकिंग है, और जब थिंकिंग बदलती है तो ये बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये दो मेजर क्वेश्चंस उठाती है। सबसे पहला, लोग डीमोटिवेटेड क्यों हो जाते हैं, और दूसरा, मोटिवेटर को कौन या क्या मोटिवेट करता है। सबसे पावरफुल मोटिवेशन हमारे बिलीफ सिस्टम से आती है। एक्शन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कामों में बिलीव करना और अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब हम अपने बिहेवियर और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो लाइफ के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। हम पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स घर और काम दोनों जगह पर बेटर होते हैं। लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो जाती है। जब तक फिजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो जाती तब तक मनी ही सबसे बड़ा मोटिवेटर है। इसके बाद इमोशनल नीड्स एक बड़ा मोटिवेटर बन जाता है। लेट्स डिफाइन मोटिवेशन। आइए मोटिवेशन को डिफाइन करें। अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ड्राइव है जो किसी एक्शन या फीलिंग को एनकरेज करती है। मोटिवेट करने का मतलब है एनकरेज करना और इंस्पायर करना। मोटिवेशन का मतलब एक्शन के लिए स्पार्क को इग्नाइट करना भी हो सकता है। मोटिवेशन पावरफुल है। ये आपको पर्सुएड कर सकता है, कन्विंस कर सकता है और एक्शन के लिए प्रोपेल कर सकता है। दूसरे शब्दों में मोटिवेशन को मोटिव फॉर एक्शन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो सचमुच आपके लाइफ को बदल सकता है। व्हाई डू वी नीड टू गेट मोटिवेटेड। हमें मोटिवेट होने की क्या जरूरत है और क्यों है। मोटिवेशन हमारी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है। ये सक्सेसफुल होने के डिजायर से आता है। सक्सेस के बिना लाइफ में थोड़ा प्राइड है। काम पर या घर पर कोई इंजॉयमेंट या एक्साइटमेंट नहीं है। लाइफ एक उबड़ खाबड़ व्हील की तरह है जो जाता है, जो बम्पी राइड देता है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन कॉम्प्लेसेंसी है। कॉम्प्लेसेंसी मतलब शालीनता एफर्ट्स की कमी की ओर ले जाती है, और जब लोग कॉम्प्लेसेंट होते हैं तो वो ग्रो नहीं करते क्योंकि ये नहीं पहचान सकते कि उनके लाइफ में अब क्या नीडेड है। मोटिवेशन, हाउ डज इट वर्क। मोटिवेशन कैसे काम करता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि मोटिवेशन का कॉज क्या है तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी इंटरनल मोटिवेशन आपकी ड्राइव और एटीट्यूड है। ये कंटेजियस है। दूसरों से आप जो रिस्पॉन्स चाहते हैं उसे पाने के लिए आपका एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट की है। एक पर्सन कैसे मोटिवेटेड और फोकस्ड रहता है। एथलीट्स द्वारा लंबे समय से यूज किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टूल है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन प्रेजेंट टेंस में दिए गए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो रेगुलरली रिपीट किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आप अभी एक नया काम
शुरू कर रहे हैं, हर दिन कई बार आप खुद से कह सकते हैं मैं हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। या मान लो आपके बच्चे का बिहेवियर आपको परेशान करता है तो आप अपने आप से कह सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मैं काम हूँ और पेशेंट हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन? मतलब इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है? इंस्पिरेशन थिंकिंग है और मोटिवेशन एक्शन है। लोगों को खुद को मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर तो किया जा सकता है, एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है जो कि मोटिवेटिंग हो। लोगों को खुद को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हमें उनकी ज़रूरतों और चाहतों, नीड्स एंड वॉन्ट्स को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है? पैसा है या रिकॉग्निशन है? हमारी लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी एक्सेप्टेंस है? क्या ये सभी सबसे बड़े मोटिवेटर हैं? ये सभी मोटिवेटिंग फोर्सेस हो सकते हैं। हर बिहेवियर पेन या गेन के प्रिंसिपल से आता है। अगर पेन गेन से ज़्यादा है तो ये एक्शन में डिटरेंट है। अगर गेन पेन से ज़्यादा है तो वह मोटिवेटर है। गेन टेंजिबल हो सकता है, जैसे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, वेकेशंस और गिफ्ट्स। वो इनटेंजिबल या इमोशनल भी हो सकता है, जैसे रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या सेल्फ वर्थ या फिर अकम्पलिशमेंट्स या फिर बिलीव्स। मोटिवेशन आग की तरह है, जब तक आप इसमें फ्यूल नहीं डालते हैं ये मर जाती है। आपका फ्यूल आपके इनर वैल्यूज में आपका बिलीफ है। जब इनर वैल्यूज में ये बिलीफ आपकी मोटिवेशन को फीड करता है तो आपकी मोटिवेशन लंबे समय तक चलने वाली हो जाती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन के दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन समझते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर से आती है। एक्सटर्नल मोटिवेटर्स के एक एग्जाम्पल हैं मनी, सोशल अप्रूवल, फेम या फियर। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स द्वारा पिटाई का डर या काम पर निकाल दिए जाने का डर, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन में आते हैं। फियर मोटिवेशन क्या होता है? एक कंपनी में पेंशन प्लान सेटअप करना चाहती थी। प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए इसमें 100% पार्टिसिपेशन की जरूरत थी। जॉन को छोड़कर सभी ने उस प्लान के लिए साइन अप किया। प्लान समझ में आया और सभी के हित में था। जॉन के साइन करने से इनकार करना ही एक ऑब्स्टेकल था। जॉन के सुपरवाइजर और अदर कोवर्कर्स के बिना सक्सेस के उसे साइन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, जॉन यहाँ एक पेन है और ये आपके लिए पेंशन प्लान में एनरोल के लिए साइन करने के लिए पेपर्स हैं। अगर आप एनरोल नहीं करते हैं तो आपको इस मिनट निकाल दिया जाता है। जॉन ने साइन किए। मालिक ने जॉन से पूछा कि उसने पहले साइन क्यों नहीं किए थे। जॉन ने आंसर दिया, किसी ने भी प्लान को इतनी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी और इतनी अच्छी तरीके से नहीं बताया था जितना आपने बताया है। ये कोई अनकॉमन बात नहीं है कि शिकार को प्रेडेटर को चकमा देते हुए देखा जाए, क्योंकि एक अपने भोजन के लिए और दूसरा अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है। फियर मोटिवेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। इससे काम जल्दी हो जाता है। ये डेडलाइंस को पूरा करके नुकसान को रोकता है। शॉर्ट रन में पर्सन के परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है। अगर एक फेरोशियस डॉग आपका पीछा कर रहा है तो आप स्प्रिंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, कौन जाने। हम हिस्ट्री से सीखते हैं कि पिरामिड गुलामों द्वारा बनाए गए थे, उन्हें लगातार देखा जाना था और नॉन परफॉर्मेंस के लिए एक फटकार लगाई गई थी। फियर मोटिवेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये एक्सटर्नल है और ये टेम्पररी है। मोटिवेशन रहता है जब तक मोटिवेटर रहता है, और जब मोटिवेटर जाता है तो मोटिवेशन भी चला जाता है। लॉन्ग रन में ये स्ट्रेस का कॉज बनता है और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। लोग केवल कॉम्प्लाई करने के लिए एनफ करते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। ये क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लोगों को स्टिक की आदत हो जाती है और फिर उन्हें एक बड़ी स्टिक की ज़रूरत होती है। पीपल हु डू जस्ट एनफ टू गेट बाई विद विल नेवर बी वैल्यूएबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक उसके एम्प्लॉयज या लोग इसलिए इतना ही काम करते हैं कि वो डर की वजह से काम कर रहे हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल एम्प्लॉय नहीं हो सकते। एक कस्टमर ने एक एम्प्लॉय से पूछा, आपने यहाँ काम करना कब शुरू किया? उसने आंसर दिया, जब से उन्होंने मुझे फायर करने की धमकी दी है। इंसेंटिव मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन भी इंसेंटिव, बोनस, कमीशन,
मान्यता और बहुत कुछ का रूप ले सकता है। इंसेंटिव मोटिवेशन का मेजर एडवांटेज ये है कि ये तब तक बहुत अच्छी तरह से काम करता है जब तक कि इंसेंटिव स्ट्रांग एनफ है। एक ऐसे गधे के बारे में सोचिए जिसके सामने एक गाजर लटक रही है और एक गाड़ी पीछे खींच रहा हो। इंसेंटिव मोटिवेशन तभी काम करेगी जब गधा एनफ हंग्री हो, या गाजर एनफ मीठी हो, या फिर जो वजन है वो भार है वो एनफ हल्का हो। अगर कॉम्बिनेशन मिसिंग है तो इंसेंटिव मोटिवेशन काम नहीं करेगी। ये तीनों चीज़ों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर आपको गधे को गाजर को काटने देना है, नहीं तो ये डिस्करेज होने वाला है। इसके अलावा गधे को काटने या उसका पेट भर जाने के बाद आपको गाड़ी खींचने से पहले गधे के फिर से भूखे होने का वेट करना पड़ सकता है। यही साइकिल आमतौर पर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में देखी जा सकती है। जैसे ही सेल्स करने वाले लोग अपने कोटा को पूरा कर लेते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। ये है क्योंकि उनकी मोटिवेशन उनके कोटे को पूरा करने तक ही लिमिटेड होती है, वो एक्सटर्नल होती है, मोटिवेशन इंटरनल नहीं होती है उनकी। इंसेंटिव मोटिवेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं कि रिवॉर्ड्स रिजल्ट से जुड़े होते हैं। ये एक मार्जिनल परफॉर्मर को अच्छा परफॉर्मर बनाने में मदद कर सकता है। इंसेंटिव मोटिवेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप इंसेंटिव्स को हटा देते हैं और मोटिवेशन नीचे चली जाती है, या फिर कुछ समय बाद वो इंसेंटिव के यूज टू हो जाते हैं और बड़ा चाहते हैं। कई बार ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी बन जाता है। इंटरनल मोटिवेशन क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेटर बिलीफ है। लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करेंगे, एक अच्छे लीडर के लिए ज़्यादा करेंगे, लेकिन अधिकतर एक बिलीफ के लिए करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट में कहीं भी लोग बिलीफ के लिए मरने को तैयार हैं बिना पैसे के। थाईलैंड में ऐसे लोगों के ग्रुप हैं जो बिना एनेस्थीसिया के अपने गलों को बांस से छेद देते हैं। ह्यूमन राइट्स इसे टॉर्चर कहेंगे, लेकिन वे अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं। इंडिया में ऐसे कुछ लोगों के ग्रुप्स हैं जो अपनी जीभ पर टॉर स्टील की रोड्स लगाते हैं, अपने शरीर पर हुक लगाते हैं और आग पर चलते हैं। ह्यूमन राइट्स इसे टॉर्चर कहेंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं। ये क्या है? बिलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिलीफ सबसे बड़ा मोटिवेटर है, लेकिन याद रखें एक झूठा बिलीफ भी एक बिलीफ होता है। जब हम मानते हैं कि हम अपने लाइफ और अपने बिहेवियर के लिए जिम्मेदार हैं, तो लाइफ के प्रति हमारा एटीट्यूड बेटर होने के लिए बदल जाता है। आइए एक स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक यंग लड़का था जो रेगुलरली फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आता था, लेकिन कभी भी ए टीम में जगह नहीं बना पाया। जब वे प्रैक्टिस कर रहा था, उसके फादर फील्ड के दूर छोर पर उसके वेट कर रहे थे। 4 दिनों तक लड़का प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। मैच शुरू हो चुके थे और उनकी टीम फाइनल खेल रही थी। वो फाइनल के लिए दिखा और कोच के पास गया और कहा, कोच आपने मुझे हमेशा रिजर्व में रखा और मुझे मैचों में कभी नहीं खेलने दिया, लेकिन आज प्लीज़ मुझे खेलने दें। कोच ने कहा, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं आपको खेलने नहीं दे सकता, आपसे बेटर प्लेयर्स हैं, और इसके अलावा ये फाइनल है, स्कूल की रेपुटेशन दांव पर है और मैं एक और चांस नहीं ले सकता। लड़के ने विनती की, कोच मैं वादा करता हूँ कि आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। कोच ने लड़के को इस तरह से विनती करते हुए पहली कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा खेलने जाओ, लेकिन याद रखना मैं अपने बेटर फैसले के खिलाफ जा रहा हूँ और स्कूल की रेपुटेशन दांव पर है, मुझे निराश मत करना। खेल शुरू हुआ, गेम शुरू हुआ और लड़का आग की गोली की तरह खेल रहा था। जब भी उन्हें बॉल मिली, उन्होंने एक गोल किया। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो खेल का सितारा था और उनकी टीम जीत गई। जब गेम ख़त्म हुआ तो कोच उसके पास गया और बोला, बेटा मैं अपने लाइफ में इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले कभी इस तरह खेला है। क्या हुआ, आज आप इस तरह कैसे खेले? लड़के ने आंसर दिया, कोच मेरे पिता आज मुझे देख रहे हैं। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां लड़के के फादर बैठते थे। केवल एक खाली बेंच थी वहां पर। उसने कहा, बेटा जब तुम प्रैक्टिस के लिए आते थे तो तुम्हारे पिता वहां बैठते थे, लेकिन मुझे आज वहां कोई दिख नहीं रहा। लड़के ने आंसर दिया, कोच कुछ ऐसा है जो मैंने आपको कभी नहीं बताया। मेरे पिता अंधे थे, 4 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। आज पहला दिन है जब वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। किस बात ने लड़के को मोटिवेट किया? ये उसका बिलीफ था। इंटरनल मोटिवेशन इंटरनल ग्रेटिफिकेशन है। सक्सेस या विनिंग के लिए नहीं, बल्कि उस फुलफिलमेंट के लिए जो कुछ करने से आती है। ये केवल एक गोल अचीव करने के बजाय अकम्पलिशमेंट की फीलिंग है। एक अनवर्दी गोल तक पहुंचने से संतुष्टि की फीलिंग पैदा नहीं होती है। इंटरनल मोटिवेशन लास्टिंग होती है, क्योंकि ये अंदर से आती है और सेल्फ मोटिवेशन में बदल जाती है।
सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन को पहचानने और लगातार स्ट्रांग करने की नीड है। अपने गोल्स को लिखें, इन्हें अपने सामने रखें और सुबह शाम इनको रीड करें। इंटरनल मोटिवेशन अंदर से आती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल मोटिवेटर्स हैं जैसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, प्राइड इन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। एप्रिसिएशन को एक महान मोटिवेटर माना गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पर्सन को अच्छा फील कराता है। जब वो अच्छा फील करता है तो उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, और जब उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। ये एक्सटर्नल है क्योंकि ये बाहर से प्रोड्यूस हो रहा है, हालांकि इसकी जो मैनिफेस्टेशंस, जो फीलिंग्स हैं, वो रिसीवर के लिए इंटरनल होती हैं। प्राइड इन परफॉर्मेंस एक इंटरनल मोटिवेटर है। दिन के एंड में पर्सन अच्छा फील करता है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। भले ही कोई अप्रिशिएट ना करे, फिर भी उसे अच्छा लगता है। और इसके अपोजिट, अगर कोई पर्सन अच्छा काम नहीं करता है, भले ही आप उनकी अप्रिशिएशन करते हैं, फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। हमारा ऑब्जेक्टिव रियली में इंटरनल मोटिवेटर्स को इनकलकेट, विकसित करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल है क्योंकि ये अंदर से ओरिजिनेट होती है। जिम्मेदारी, सेल्फ बिलोंगिंग और ओनरशिप की भावना से आती है। तो चलिए हम एक केस स्टडी लेते हैं छोटी सी। एक बार एक जिल नाम की लड़की थी जो कि एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव थी, जो कि 6 साल से अपनी जॉब कर रही थी, जो काफ़ी लंबा एक समय होता है। और जिल अपनी जॉब को काफ़ी पसंद करती थी और वो कस्टमर्स के साथ बात करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफ़ी पसंद करती थी। लेकिन वो क्या चीज़ को पसंद नहीं करती थी, वो ये थी कि बाकी जो और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस कंपनी में या उस जगह पर, उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि नए थे, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2-3 साल ही हुए थे, वो भी इक्वली माने जाते थे उस जिल के। और जिल इस बात से फ्रस्ट्रेटेड थी और डिस्करेज थी क्योंकि बाकी सारे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उसके सजेशंस को नहीं सुनते थे, और जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी वो मैनेजर के पास जाते थे, जबकि मैनेजर को फ्रंट लाइन का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था जितना जिल को था। मैनेजर ने उसको नोटिस करना शुरू किया और जिल की परफॉर्मेंस को देखना शुरू किया। हालांकि वो इतनी बुरी नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन उतनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जिल अपने जॉब से अच्छी तरह से नहीं पेश आती थी, उसको वो अपनी जॉब से खुश नहीं थी, और जो मैनेजर था वो इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ को नहीं खोना चाहता था, जिल को नहीं खोना चाहता था, तो उसने जिल की सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी। लेकिन जो जिल का एटीट्यूड था अपनी जॉब की तरफ, वो बदला ही नहीं। तो वैसे तो ज़्यादा पैसा अच्छा होता है, लेकिन जिल किसी और चीज़ की तलाश में थी, और वो थी रिस्पेक्ट। जब मैनेजर ने थोड़ा टाइम बिताया जिल के साथ और डिस्कवर करा कि उसका सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन क्या है, तो मैनेजर ने जिल को नया टाइटल दे दिया था, टाइटल ऑफ सुपरवाइज़र। अब उसको सुपरवाइज़र बना दिया गया, और बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बताया गया कि जितनी भी सारी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो जिल के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे जिल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ गई, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो जो रिस्पेक्ट थी, उसकी जो नीड फॉर रिस्पेक्ट थी, उसको फ्यूल करा, और उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो इमिडिएटली काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो चुकी थी। मतलब जो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं वो टेम्प्ररी होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो ग्रेटिफाइंग नहीं होते लॉन्ग रन में। जब हम लोगों को इमोशनली अच्छा फील कराते हैं, इमोशनली ग्रेटिफाइंग फील करवाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि वो अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उनको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, वो पार्ट ऑफ अ टीम, वर्थवाइल टीम फील करते हैं। और जो रिवॉर्ड्स ऑफ डूइंग द राइट थिंग इज मोटिवेटिंग बाय इटसेल्फ, जो रिवॉर्ड्स होते हैं कुछ अच्छा काम करने के, वो खुद ब खुद एक मोटिवेटिंग चीज़ बन जाते हैं। वी आर ऑल मोटिवेटेड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से तो मोटिवेटेड हैं। अब या तो हम पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं या फिर हम नेगेटिवली मोटिवेटेड हैं, इस बात को समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से साथ। इस दुनिया में हर कोई मोटिवेटेड है, वो इंसान भी मोटिवेटेड है जो कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि वो कुछ ना करने के लिए मोटिवेटेड है। ऑथर बताते हैं कि जब वो टोरंटो में थे तो उन्होंने 2 ब्रदर्स की स्टोरी सुनी थी, जिनमें से एक तो ड्रग अडिक्ट था और एंड अ ड्रंकयार्ड हु फ्रिक्वेंटली बीट अप हिज फैमिली। एक था ड्रग अडिक्ट था और जो दारू पीता था और अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, और जो दूसरा बंदा था, जो दूसरा भाई था, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जिसको रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में, और उसकी काफ़ी वंडरफुल फैमिली थी। तो सवाल ये आता है कि 2 भाई जिनको सेम पेरेंट्स ने रेज करा, जो सेम इन्वायरमेंट में पाले हुए थे, वो इतने अलग कैसे हो सकते हैं? तो जब पहले भाई से पूछा गया कि क्या ऐसा था जिसने तुमको ऐसा बनाया जैसे तुम हो, तुम एक ड्रग अडिक्ट हो, एक नशेड़ी हो, एक ड्रंक पर्सन हो, और आप अपनी फैमिली को मारते हो, तो ये सब चीज़ों की मोटिवेशन आपके अंदर से कहाँ से आई? तो उसने कहा, माय फादर, ही वाज आस्क्ड व्हाट अबाउट योर फादर, उसे पूछा गया कि फादर क्या, फादर ने क्या किया। उसने कहा कि मेरे फादर एक ड्रग अडिक्ट थे, वो खुद भी एक ड्रंक पर्सन थे, और खुद
मेरे हमारे उनकी फैमिली को मारा करते थे, तो अब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो थे वही मैं हूँ। सेकंड ब्रदर से सेम क्वेश्चन पूछा गया कि आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हर चीज़ में सही काम करते हैं, आपको इस चीज़ की मोटिवेशन कहाँ से आई, और गेस करिए कि उसने क्या, उसने भी कहा मेरे फादर। उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा दारू पीते थे, ड्रग्स लेते थे और सारे गलत काम वो करते थे, और मैंने तभी अपना दिमाग, अपना माइंड ये बना लिया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। इस छोटी सी स्टोरी से हमें क्या समझ आता है, ये समझ आता है कि जो दोनों भाई थे उनकी जो मोटिवेशन का सोर्स था वो सेम था, लेकिन एक पर्सन उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहा था जबकि दूसरा पर्सन उसको नेगेटिवली यूज़ कर रहा था। नेगेटिव मोटिवेशन ब्रिंग्स द डिज़ायर टू टेक द ईजियर वे विच एंड्स अप बींग द टफर वे। जो नेगेटिव मोटिवेशन होती है वो एक डिज़ायर लाती है आसान रास्ता चुनने का, जो कि एट एंड हमारे लिए एक मुश्किल रास्ता बन के निकल के आता है। On the job, the four stages from motivation to demotivation. When people start a job, they often move through stages of motivation and competence. जब लोग किसी job को start करते हैं तो वो एक stages of motivation से गुजरते हैं। उस four stages को हम समझते हैं। सबसे पहला है motivated ineffective. एक employee अपनी cycle of employment में सबसे ज़्यादा motivated कब होता है? वो सबसे ज़्यादा motivated तब होता है जब उस organization को वो join करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहता है टू द एम्प्लॉयर कि उसको हायर करने का उसका डिसीजन सही है। वो मोटिवेटेड होता है लेकिन इनइफेक्टिव तरीके से। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि क्या करना है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे एम्प्लॉय ओपन माइंडेड होता है, रिसेप्टिव होता है, इजी टू मोल्ड होता है जिस भी कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रेनिंग और जो ओरिएंटेशन होती है वो इम्पेरेटिव बन जाती है। अनप्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे हैव आइदर नन और वेरी पुअर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। जो अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। जो फर्स्ट डे होता है एट द जॉब, जो सुपरवाइज़र होता है वो एक नए एम्प्लॉय को उसकी प्लेस ऑफ वर्क दिखाता है, उसको बताता है कि उसे क्या करना है, कब जाना है, कैसे करना है। वो उसको सारी की सारी चीज़ें बताता है, अच्छी और बुरी चीज़ें बताता है जो वो कर सकता है या करता है। जो नया एम्प्लॉय होता है वो जल्दी से सीख लेता है सारी की सारी गलतियाँ जो सुपरवाइज़र ने करी हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ही हैज़ बीन टॉट बाय नॉट हैविंग अ गुड इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। जब उसका एक अच्छा ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी को खोज तो देती है जिसमें वो उस इंडिविजुअल को मोल्ड कर सकती थी एक इफेक्टिव और एक पॉजिटिव मैनर में। जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दूसरे एंड पे, वो स्पेशल केयर करती हैं इंडक्ट करने के लिए लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। वो उनको एक्सप्लेन करती हैं अमंग अदर थिंग्स, जैसे कि अपने उन कंपनीज के वैल्यूज़ और विजन के बारे में बताती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, वो पैरामीटर्स के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में बताती हैं, हायरार्की, डूज एंड डोंट्स, अपने विजन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, और क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सब चीज़ के बारे में पहले ही बता देती हैं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस अनलेस एक्सपेक्टेशंस आर मेड क्लियर अपफ्रंट। आप कैसे किसी इंसान से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक कि आपने उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस सामने ना रखी हों? अगर इंडक्शंस और ओरिएंटेशंस अच्छे से करें जाएं तो बहुत सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं रहेंगी। दूसरा है मोटिवेटेड इफेक्टिव। ये वो स्टेज है जहाँ पे एम्प्लॉय ने सीख लिया है कि क्या करना है और वो उसको कर रहा है विद अ ड्राइव एंड एनर्जी। He has learned the trade and it reflects his performance. Then he moves on to the next stage. जो कि है तीसरी स्टेज है demotivated effective. कुछ समय बाद जो motivation level होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और जो employee है वो trade के साथ trick करना शुरू कर देता है। ये वो stage होती है जहाँ पे employee इतना motivated नहीं होता लेकिन वो continue करता है सिर्फ इतना काम करने के जो कि employer ने उसको दिया है जब तक वो उसे fire नहीं कर देगा इस चीज़ के लिए। ये जो स्टेज है ये डेट्रीमेंटल होती है ग्रोथ के लिए और बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशंस में इसी थर्ड स्टेज में फॉल करते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ मार्जिनल होती है, वो अच्छे परफॉर्मर्स का मजाक उड़ाते हैं और वो रिसेप्टिव नहीं होते नए आइडियाज़ के लिए और नए चेंजेस के लिए और चेंजेस को रजिस्ट करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इन लोगों को या इस तरीके के लोगों को वापस सेकेंड वाली स्टेज में लेके जाएं जो कि है मोटिवेटेड इफेक्टिव लोगों की, कुछ ट्रेनिंग या कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स के साथ। एक एम्प्लॉय ऑट नॉट टू स्टे इन द थर्ड स्टेज टू लॉन्ग। किसी भी एम्प्लॉय को तीसरी स्टेज में ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। क्यों?
बिकॉज दे आर इनसाइडर्स दे स्टार्ट सैबोटेजिंग द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे वो इंसान आपकी कंपनी को खराब बर्बाद कर सकता है। ऐसा अनकॉमन नहीं है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उनके अंदर की ही लोगों की वजह से और बाहर की कंपटीशन के बजाय। दे स्टार्ट स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी ऑल अराउंड एंड डीमोरलाइजिंग अदर। वो लोग, ये जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं और लोगों को डीमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से आइदर दे आर ब्रॉट बैक टू द सेकेंड स्टेज विच इज बींग मोटिवेटेड और इफेक्टिव, और दे ऑटोमेटिकली मूव इन टू द फोर्थ स्टेज विच इज डीमोटिवेटेड एंड इफेक्टिव। या तो यहाँ से वो लोग सेकेंड कैटेगरी में जाते हैं या फिर वो यहाँ से सीधा फोर्थ कैटेगरी में जाते हैं, जो कि फोर्थ कैटेगरी है डीमोटिवेटेड इनइफेक्टिव की। अब डीमोटिवेटेड इनइफेक्टिव क्या है? इस स्टेज में जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, उसके पास एक ही चॉइस होती है कि वो उस एम्प्लॉय को फायर कर सके, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ हो जाती है करने के लिए। रिमेंबर, एम्प्लॉयर्स वॉन्ट द सेम थिंग एज एम्प्लॉयज डू। एम्प्लॉयर्स को भी वही सेम चीज़ चाहिए जो एम्प्लॉयज को चाहिए। वो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और जो एम्प्लॉयज हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव में ग्रो करने में उनको हेल्प करते हैं। देन दे मेक देमसेल्फ वैल्यूएबल एंड ग्रो। वो भी खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं उनके ऑब्जेक्टिव में हेल्प करके। डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स, पीपल या लोग मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते, वो डीमोटिवेटेड क्यों हो जाते हैं? दो मेजर रीजंस हैं इसके। एक तो है, कह सकते हैं हम, नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव एनवायरनमेंट। नेगेटिव थिंकिंग कुड रिलेट टू इंडिविजुअल वेयर एज अ नेगेटिव एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू आइदर फिजिकल या इमोशनल। नेगेटिव थिंकिंग किसी पर्सन के लिए हो सकती है, किसी इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, लेकिन जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अब या तो वो फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। फिजिकल मतलब किसी का काम फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, या फिर कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो इंसान कैसे काम करेगा। और इमोशनल इस तरीके से जहाँ पे लोगों से रिलेटेड मैटर्स आ जाते हैं। कुछ डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग होना, कुछ अनफेयर या नेगेटिव या फिर पब्लिक क्रिटिसिज्म होना, रिवॉर्डिंग द नॉन परफॉर्मर, जो नॉन परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको रिवॉर्ड कर देना, जो कि एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है परफॉर्मर्स के लिए। फेलियर और फियर ऑफ फेलियर, फेल होना या जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। प्लेइंग फेवरेट्स या नेपोटिज्म होना, वो भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। सक्सेस जो कॉम्प्लेसेंस को लीड करती है। लैक ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, जब एक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं वो भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लैक ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन की कमी या फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग की कमी। टू मच और टू लिटल वर्क, बहुत ज़्यादा या बहुत कम काम भी डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। लो सेल्फ एस्टीम होना, प्रायोरिटीज ना होना या लैक ऑफ प्रायोरिटीज होना, नेगेटिव सेल्फ टॉक होना, हॉस्टाइल एनवायरमेंट होना, या ऑफिस में जो पॉलिटिक्स या अनफेयर ट्रीटमेंट होता है उसका होना, या फिर कुछ पुअर स्टैंडर्ड्स या लैक ऑफ क्वालिटी कंसिस्टेंस होना, टू मच चेंज टू फास्ट, बहुत जल्दी किसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चेंजेस होना, ये भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, टू मच जॉब सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी होना, बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी या बहुत कम इन जॉब सिक्योरिटी या फिर इनसिक्योरिटी होना, वो भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। हाइपोक्रिटिकल और इनकम्पिटेंट सुपरवाइजर, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड गोल्स, अपने रोल और अपने गोल्स की क्लैरिटी ना होना, वो भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। या फिर लैक ऑफ चैलेंज, चैलेंज की कमी या फीलिंग ऑफ बींग अंडर यूटिलाइज्ड की होना, ये भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। ये जो ऊपर जो भी जितने भी मैंने बताए हैं अभी आपको, ये लिस्ट पार्शियल लिस्ट है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, जहाँ जो यहाँ पे नहीं है, जो कि एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑथर एग्जाम्पल देके बताते हैं अपने क्लाइंट के बारे में कि जहाँ पे वो उनकी जगह है वहाँ पे उनके पास कैफेटेरिया नहीं है, तो हर कोई इंसान कंप्लेन करता रहता है और उनको डिमोटिवेटेड फील कराता रहता है उस रीज़न की वजह से। तो जो उनके जो क्लाइंट हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, एक प्लेस निकाली इस रीज़न को, टू ओवरकम द रीज़न फॉर डीमोटिवेशन। और इंटरेस्टिंगली द मोटिवेशन और डीमोटिवेशन लेवल डिडंट चेंज। व्हाट डज इट शो? नॉट हैविंग वॉज डीमोटिवेटिंग, बट हैविंग डिडंट मोटिवेट द पीपल आइदर। मतलब जो जब वो चीज़ नहीं थी तो लोग उसको लेकर रो रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन जब वो चीज़ आ गई ना तो उसको लेकर फिर कोई मोटिवेशन नहीं आया, सब न्यूट्रल हो गया। द रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क इज डीमोटिवेटिंग, जब वर्क रिपीटेटिव बन जाता है तो वो डीमोटिवेटिंग हो जाता है। इट इज़ अ कॉमन बिलीव दैट द रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क इज डीमोटिवेटिंग। इज इट रियली सो? आई डोंट थिंक सो। लोग मानते हैं कि रिपीटेड नेचर ऑफ वर्क डीमोटिवेटिंग है,
लेकिन क्या ऐसा सच में है? ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मोटिवेशन कैसे होता है? रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क की वजह से नहीं, लेकिन सबसे पहला फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड की वजह से होता है। दूसरा लैक ऑफ चैलेंजेस, जब चैलेंजेस की कमी होती है तो उसकी वजह से होता है। एग्जाम्पल, एक मम्मी होती हैं जो आपकी मदर होती हैं, वो खाना बनाती हैं फैमिली के लिए और 50 से 60 साल तक वो यही काम करती हैं, वो तब भी वो मोटिवेटेड होती हैं खाना बनाने के लिए और अपनी फैमिली को खाना खिलाती हैं विद द सेम एंथुसियाज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको कभी भी अंडर यूटिलाइज्ड फील नहीं होता। और दूसरा, शी ऑलवेज वॉन्ट टू आउट परफॉर्म हरसेल्फ, वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को और बेहतरीन करना चाहती हैं और अच्छे से अच्छे डिलीशियस खाना बनाना चाहती हैं अपनी फैमिली के लिए। इनफैक्ट वो हर समय कुक करती हैं लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड होती हैं। एक पर्सन जिसके पास कोई एस्पिरेशन नहीं है, वो कंटेंटेड है अपने विद स्टेटस क्यो, मे नॉट रियली बी अ मोटिवेटेड पर्सन। सच सेटिस्फैक्शन मे लीड टू कॉम्प्लेसेंस। मोटिवेशन ब्रिंग्स एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट डज नॉट कम अनलेस देयर इज कमिटमेंट। मोटिवेशन जो है वो एक्साइटमेंट लाता है और एक्साइटमेंट तब तक नहीं आती है जब तक आपके पास एक कमिटमेंट नहीं होती है। जब भी आप मोटिवेशन के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली चीज क्या आपके दिमाग में आती है? मनी। मनी दोगे तो वो मोटिवेटेड हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर सम टाइम दे विल गेट मोटिवेटेड। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो लोग मोटिवेटेड हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक के लिए जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट हैं, तो आप उनको सारा पैसा भी दे दोगे जो उनको चाहिए तब भी वो कम पड़ जाएगा। दे विल नेवर रिफ्यूज योर मनी, वो लोग कभी भी आपके पैसे को रिफ्यूज नहीं करेंगे, चाहे आप किसी की भी सैलरी बढ़ाते जाओ, लेकिन पैसा लेने के बाद भी वो डीमोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट मोटिवेटर है वो वही होगा जब आप डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करोगे। मोटिवेटर्स, व्हाट वी रियली वांट टू अकम्प्लिश इज सेल्फ मोटिवेशन। हम अपनी लाइफ में क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं इस चैप्टर से? सेल्फ मोटिवेशन को। जब लोग कुछ चीज़ें करते हैं अपने खुद के रीजंस के लिए और ना कि औरों के रीजंस के लिए से, दे बिकम लास्टिंग मोटिवेशन। मतलब कोई इंसान काम खुद के लिए, जब खुद के पास उसका कोई रीज़न होता है किसी काम को करने का, तब उसके पास एक लास्टिंग मोटिवेशन होता है। और याद रखो कि जो सबसे बड़ा मोटिवेटर है वो है बिलीफ, और हमको ये इनकलकेट करना होगा अपने अंदर कि बिलीफ, वो बिलीव दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एक्शन एंड बिहेवियर, कि हम अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जब पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हर चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप और टीम वर्क, सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगती हैं जब आप ये मानते हो कि आप अपने एक्शंस और बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम आएंगे, टू मोटिवेट देमसेल्फ, कि वो खुद को मोटिवेट करें, तो उनको आप रिकॉग्निशन दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनके वर्क को इंटरेस्टिंग बनाओ और एक अच्छे लिसनर बनो, उनकी गोल सेटिंग को इनकरेज करो और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो उनको ग्रोथ के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनके सामने चैलेंजेस थ्रो करो, हेल्प देम बट डोंट डू फॉर अदर्स व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्फ। उनको हेल्प करो लेकिन उनके लिए वो काम मत करो जो उनको खुद करने चाहिए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि लोग चीज़ों को करते हैं अपने खुद के रीजंस के लिए, ना कि आपके या किसी और के रीजंस के लिए। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय अ स्टोरी अबाउट रैल्फ वाल्डो एमर्सन। ये इलस्ट्रेट किया जाता है फ्रॉम अ स्टोरी ऑफ रैल्फ वाल्डो एमर्सन। वो और उनका सन स्ट्रगल कर रहे थे एक काफ को बांध में ले जाने के लिए। बोथ फादर एंड सन वर एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, उसको धक्का देते देते, उसको खींचते खींचते एक छोटी सी लड़की आई जो कि वहाँ से गुजर रही थी। उसने अपना हाथ, अपनी फिंगर को उस काफ के माउथ में डाला और उसको वो सक करने दिया, और जो काफ थी वो प्यार प्यार से आराम से उसके पीछे पीछे बांड में आ गई। तो मतलब इससे ये समझ आता है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, जिसे आप किसी काम को करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो उसके लिए मोटिवेट रहे, तो आपको उसको कुछ ऐसे रीजंस देने हैं जो उसके अंदर से आए, जिनके लिए वो काम करेगा और उसके लिए वो लास्टिंग मोटिवेशन की तरह काम करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6, मोटिवेशन, फ्रॉम द बुक यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। आई होप यू लाइक दिस ऑडियो बुक एंड आई होप यू लाइक ऑल माई वीडियोज ऑन दिस बुक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तब तक मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड See you soon.